अंत्योदय की सोच के साथ आगे बढ़ रही है प्रदेश की भाजपा सरकार। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड वितरण समारोह यमुनानगर के बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की तरफ से बनाए गए हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय हैप्पी कार्ड वितरण समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से वे जुड़े। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। राज्य में अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लक्ष्य 1,00,000 रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाना है। 7 मार्च 2024 को शुरू की गई इस योजना से गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि यमुनानगर जिले में 2,500 हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बुजुर्गों से लेकर युवाओं सबको इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों के सभी सदस्यों का हैप्पी कार्ड बनाया जाएगा। देखिए, इसकी जो उद्घाटन था वो तो पहले ही माने पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन क्योंकि अभी तक कार्ड का वितरण नहीं आया था, लेकिन उसकी योजना की घोषणा उन्होंने उस टाइम कर दी थी। तो अब 2,500 के करीब कार्ड अभी तक हमारे यहाँ जो हमारा यमुनानगर का जिला यमुनानगर में है तो उसमें हमारे यहाँ से 2,500 कार्ड बन के और उसका आज वितरण है और ये कार्ड लगातार बनते रहेंगे। तो जिन लोगों की आमदन 1,00,000 रुपये से कम है ऐसे लोगों को एक साल में 1,000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकते, और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। कई बार हमारे बुजुर्ग हैं वो किसी धार्मिक स्थान में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अगर सुविधा मिलेगी तो काफ़ी लाभ उनको होगा। और जो कम उम्र के लोग भी हैं, जो जवान लोग भी हैं, अब वो भी कई बार शहर के आसपास है, उनका रोज़ आना जाना है और यहाँ फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं तो रोज़ आते हैं जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी काफ़ी लाभ इसका रहेगा। 1,000 किलोमीटर काफ़ी है तो काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। तो जो एक अंत्योदय की सोच है सरकार की और जिसके ऊपर सरकार पहले से ही काम कर रही है कि भाई गरीबी को अपने समाप्त करना, तो 7,00,000 परिवार ऐसे हैं हरियाणा में जिनकी आमदन 1,00,000 से भी कम है। तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार की प्राथमिकता है कि इन लोगों को एक सपोर्ट देके, थोड़ी सी सपोर्ट देके ये गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे उसमें और भी स्कीम बना के दी सरकार ने कि जैसे उनको लोन देंगे उसका ब्याज सरकार देगी, वो अपना कोई काम करे और किसी प्रकार से मेहनत करके और अपना काम नया स्थापित करके गरीबी से रेखा से बाहर निकले, ऐसी और भी बहुत सी योजना है। उनमें एक योजना आज जो हैप्पी कार्ड है वो भी उसमें है, तो निश्चित तौर से उससे लाभ। इसमें क्या है कि एक परिवार के सदस्य सारों को कार्ड दिए, अभी हमने जो कार्ड दिए वो सभी परिवार के, किसी के 4 थे किसी के 5 थे, जितने भी लोग थे सभी मेंबरों को कार्ड दिए।